नारद जी को अभिमान हो गया, इस बात का अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा कोई नाम जपने वाला नहीं। भगवान ने एक बार बुलाया, नारद जी हमारा एक काम कर दो, प्रभु आज्ञा दो, क्या काम करना है? नारद जी ऐसा करो, अपनी वीणा एक और रखो, एक बड़ा जरूरी काम है, यदि हाथों में वीणा रहेगी तो मेरा काम नहीं कर पाओगे। वीणा रख दी, कहो प्रभु क्या काम है? भगवान ने एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है ये, पर जीवन में बहुत शिक्षा देने वाली। भगवान ने एक पात्र दिया, ऊपर तक उसमें तेल भरा हुआ था। प्रभु बोले कि नारद जी आप जाओ और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के मेरे पास आओ। ध्यान रखना, इस पात्र में से एक बूंद तेल भी नीचे ना गिरे। यदि तेल नीचे गिरा तो फिर काम बिगड़ जाएगा, नीचे मत गिरने देना। जाओ। नारद जी उस पात्र को लेकर चल दिए। अब बड़ा संभल के जा रहे हैं, बहुत संभल के। पूरा ख्याल है कि एक बूंद भी नीचे न गिरे। 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की लगाई, वापस प्रभु के पास आ गए। भगवान आपका काम मैंने कर दिया। भगवान ने कहा कि तेल नीचे तो नहीं गिरा? बोले बिल्कुल नहीं गिरा। अच्छा नारद जी कटोरा यहीं रख दो। रख दिया। नारद जी एक काम और है, आप थोड़ा जाओ धरती पर, फलाने गांव में, फलाने मकान में मेरा एक बड़ा पक्का भक्त रहता है, थोड़ा उससे मिलकर आ जाओ एक बार, उसको देखकर और आ जाओ, बस ये मेरा आखिरी काम। भगवान ने कहा कि नारद जी अभी आप मेरे भक्त से मिलकर आए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपसे भी बड़ा भक्त है। बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो, कमाल कर दिया, मैं सारा दिन वीणा बजा बजा के तुम्हारा नाम गाता हूं और कह रहे हो वो मेरे से बड़ा भक्त है। मैं पूरा दिन उसके साथ रहा, उसने पूरे दिन में केवल 3 बार तुम्हारा नाम गाया और मैं सारा दिन गाता हूं। भगवान ने कहा कि नारद जी थोड़ा मुझे ये बताओ कि जब कटोरा लेकर हाथ में तेल का और पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं तुमने लगाई थी, तो ये बताओ उस बीच कितनी बार मेरा नाम गाया था, उस समय कितनी बार मुझे पुकारा था। नारद जी सोचने लगे और बोले कि प्रभु मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, मेरा ध्यान तो इसी बात में लगा था कहीं तेल नीचे ना गिर जाए, यही मन लगा हुआ था कहीं तेल न फैल जाए, एक बार भी नहीं गा पाए। लेकिन क्या हुआ प्रभु? अरे नाम नहीं गाया तो क्या, काम तो मैं तुम्हारा ही कर रहा था ना, नाम नहीं गाया तो क्या? भगवान बोले नारद जी खबरदार, भले ही काम तुम मेरा कर रहे थे, नाम मेरा नहीं गाया, और ये मत भूलना कि वो किसान भी काम मेरा ही कर रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 बार तो मुझे याद कर रहा है, क्योंकि लोगों को रोटी खिला रहा है, लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहा है, ये मेरा ही तो काम है। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, भगवान कहते हैं ये मेरा ही काम है। तुम नौकरी कर रहे हो तो भगवान का ही काम है, आप बिजनेस कर रहे हो भगवान का काम है, आप दुकान चला रहे हो भगवान का काम है, क्योंकि संसार को भगवान चलाने वाले, आपको प्रभु ने निमित्त बना रखा है। भगवान कहते नारद जी मेरा काम करते हुए तुम मुझे भूल गए, तुमसे अच्छा वो किसान है जो कम से कम 3 बार तो मुझे याद करता है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान को मत भूलो, याद करते रहो, स्मरण करते रहो। बंधुओं यहां मंगलाचरण 3 श्लोकों में हुआ, यानी कम से कम 3 बार तो सबको याद करना ही चाहिए भगवान को। भगवान को कह दिया करो कि प्यारे गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो,
गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो प्यारे, मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। स्मरण करो भगवान का। तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण है, वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यक्षूरय तेजो वारि मृदं यथा विनिमय यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कहकर भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? परम सत्य। देखो ये श्लोक बड़ा विशेष है भागवत का, यह मंगलाचरण का श्लोक है। इसमें न कृष्ण का ध्यान कराया, न राम का ध्यान कराया, न शिव का ध्यान कराया, किसी एक विशेष देवता का नाम नहीं लिया। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें, जो सुप्रीम रियलिटी, जिनसे बड़ा कोई दूसरा सत्य नहीं है, हम उनका ध्यान करें। आप कहोगे कि जब राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं, दुर्गा नहीं, तो ये परम सत्य कौन है? फिर किसका ध्यान करवा रहे? तो समझ लो, परम सत्य किसी एक देवता का, किसी एक भगवान के स्वरूप का नाम नहीं है। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए वो ही परम सत्य है। अब आपकी श्रद्धा यदि कृष्ण में है, तो समझ लो कृष्ण का ध्यान कराया जा रहा है, कृष्णम परम धीमहि। यदि तुम्हारी श्रद्धा राम जी में है, तो तुम्हारे लिए राम जी परम सत्य है। पहले तो यही समझ लो कि सत्य में और परम सत्य में क्या अंतर है। कई बार लोग इसमें भी थोड़ा भ्रम करते हैं। सत्य और परम सत्य दोनों में अंतर है। व्यास जी ये भी तो कह सकते थे सत्यम धीमहि, लेकिन उसके आगे परम शब्द एक विशेषण लगा दिया, सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान नहीं कर रहे, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे। तो सत्य में और परम सत्य में थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो सत्य ही कह देते। परम सत्य कहा, सत्य और परम सत्य में ये भेद है बंधुओं, ये अंतर है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सत्य हो सकता है, पर जो छुपा हुआ है वो परम सत्य है। कहां छुपा है? दो जगह छुपा है, शरीर में भी छुपा है और संसार में भी छुपा है। शरीर झूठा है, लेकिन शरीर में बैठी आत्मा परम सत्य है। ऐसे ही संसार झूठा है, लेकिन संसार में बैठा हुआ वो परमात्मा ही परम सत्य है। तो दो सत्य हैं और दो परम सत्य हैं। अब देखा जाए तो शरीर को कोई झूठा थोड़ी मानता है, हम लोग शरीर को भी सच्चाई मानते हैं। आंखों से जो संसार दिखाई दे रहा है, इसको कोई झूठा थोड़ी मानता है, संसार को भी हम सच्चा मानते हैं।
मैं कथा सुना रहा हूं, आप कथा सुन रहे हो, क्या ये झूठ है? बताओ मुझे, हां या ना कुछ तो बोलो, ये झूठ है या सत्य है? मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये तो सत्य ही है, ये सच्चा है, इसको झूठ कौन मानेगा? पर ये शाश्वत नहीं है। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये कब तक सत्य है? बोले बस ये 7 बजे तक सत्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। सत्य तो है लेकिन इस सत्य की एक सीमा है, एक लिमिट है, एक सीमा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा का विश्राम होगा, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, तो ये जो सत्य है ये एक सीमा में बंधा है, ये शाश्वत नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। आप भी चले जाओगे कथा के बाद, मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम घर छोड़कर यहां आए हो, यहां बैठे हो, तो तुम घर पर तो नहीं हो? कौन ऐसा है जो यहां भी बैठा है और घर पर भी बैठा है? कोई है ऐसा? अब मैं आपके बीच में बैठा हूं तो मैं वृंदावन में तो नहीं हूं? आई एम हियर, मैं यही हूं, वृंदावन में तो नहीं हूं? हम सबकी यही एक सीमा है, हम एक जगह होते हैं, हर जगह नहीं होते, हम थोड़ी देर कहीं रहते हैं, हर समय कहीं नहीं रहते। इसीलिए हम सत्य हो सकते हैं, हम परम सत्य नहीं हैं, परम सत्य केवल बांके बिहारी हैं, जो यहां भी बैठे हैं तुम्हारे घर पर भी बैठे हैं, जो वृंदावन में भी बैठे हुए हैं, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे मकान, हर जगह बैठे हुए, और हर समय। हम लोग तो 7 बजे के बाद चले जाएंगे, लेकिन बिहारी जी तो फिर भी यहां बैठे रहेंगे, वो तो हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, हर जगह बैठे, हर समय बैठे, और ओमनीशियंट, सर्वशक्तिमान। तो परमात्मा परम सत्य है। हम लोग जो संसार देख रहे हैं ये थोड़ी देर का सत्य है। आज संसार सत्य लग रहा है, थोड़ी देर तक इसको सत्य मान लो, और जिसको तुम सत्य मान रहे हो थोड़े दिन बाद वही राम नाम सत्य होने वाला है, वो सब जाने वाला है। भोलेनाथ कह रहे हैं कितनी प्यारी बात, कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। पार्वती को बोल रहे हैं, हे भवानी, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा की वाणी झूठी नहीं हो सकती। कहते हैं पार्वती, मैंने तो अपने जीवन का सार यही जाना है, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैंने तो यही माना है, यही जाना है कि भगवान का भजन ही सत्य है, संसार तो सपना है, स्वप्न की तरह है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो यहां पर जो परम सत्य का ध्यान कराया जा रहा है, आप समझो वो आपके ही इष्ट हैं, और इष्ट का ध्यान तो सबको करना चाहिए। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सब हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, मैं कहूंगा सत्यम परम धीमहि, आप भी मेरे साथ बोलना, और जिसको भी तुमने जीवन में माना हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ईश्वर हो, खुदा हो, वाहेगुरु हो, जिनमें भी तुम्हारी श्रद्धा हुई हो, उनका स्मरण करो, और मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ के
आंखें बंद करके 3 बार सब कहना, ध्यान करना अपने इष्ट का, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, ध्यान करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। थोड़ी देर भी तुम अपने इष्ट को स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तुम्हारे मन से गंदगी निकलने लगेगी, तुम्हारे मन का मैल साफ होने लगेगा, क्योंकि ध्यान को मन का स्नान बताया। मेडिटेशन, ध्यान हमारे चित्त को शुद्ध करता है। तो वेदव्यास जी उस परम सत्य का ध्यान कराते, जो परम सत्य परमात्मा जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मस्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि, जिनके द्वारा संसार का जन्म भी है, संसार का पालन भी है, और जो प्रलय की ओर भी ले जाते हैं, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत् प्रतीयते तम धीमहि, जिनकी शक्ति के कारण संसार झूठा होते हुए भी सच्चा लग रहा है, उन परम सत्य का हम ध्यान करें। जो प्रत्येक पदार्थ में बैठे हुए हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो सबके अंदर बैठे हुए हैं, अर्थेषु भिज्ञः, जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं। आप दुनिया से कोई बात छुपा सकते हो, आप भगवान से नहीं छुपा सकते। एक प्रसंग याद आ रहा है, छोटा सा। किसी आश्रम में, आश्रम के जो महंत थे, थोड़े वृद्ध हो गए थे, सोचते थे कि अब मेरे शरीर का भरोसा नहीं, कब चला जाए, मेरे जाने के बाद कहीं मेरे शिष्य झगड़ा न करें कि गुरुजी की गद्दी पर मैं बैठूंगा, कहीं झगड़ा न हो। तो संत ने सोचा कि अपने जाने से पहले मैं खुद ही फैसला करके जाऊं, मेरे बाद कौन संभालेगा। सारे शिष्यों को बुलाए और कहा कि बच्चों, तुम आपस में फैसला करो, और पहले तुम बताओ मुझे कि तुम किसको योग्य मानते हो जो मेरे बाद आश्रम को संभाल सके। तुम लोग आपस में पहले डिसाइड करो, कोई निर्णय लो, किसी नतीजे पर पहुंचो, मुझे बताओ, फिर मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। शिष्यों ने आपस में सलाह की तो 2 को चुना। गुरुजी को कहा कि गुरुजी, हमारी दृष्टि में ये दोनों योग्य हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी आश्रम की जिम्मेदारी दे सकते हो, हम मान लेंगे। गुरु ने कहा कि मैं ऐसे ही यदि कह दूंगा कि तू संभाल बिना परीक्षा लिए, तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। मैं एक को कह दूंगा तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचा कि दोनों की परीक्षा लेता हूं, तभी निर्णय दूंगा। बड़ा गजब का काम किया, प्रेम से कहो श्री राधे, क्या किया, दोनों शिष्यों को एक एक फल दिया, कहा बच्चों जाओ और इस फल को खाकर मेरे पास वापस आओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तुम फल खा रहे हो, कोई तुम्हें देखे ना, जाओ खा के आओ। दोनों फल लेकर चले गए, एक तो खाकर तुरंत ही वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा बेटा खा लिया, हां गुरुजी खा लिया, किसी ने देखा तो नहीं, बोले किसी ने नहीं देखा, अच्छा बैठ जा, दूसरे को भी आने दे। अब दूसरे शिष्य का इंतजार होने लगा, सुबह का गया, दोपहर हुई,
नहीं आया, शाम हुई नहीं आया, रात को लौट के आया। और जब लौट के आया तो कमाल था, हाथ में उसके फल लगा हुआ था, खाके भी नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा सुबह का गया शाम को लौटा है और फल भी नहीं खाया, क्या बात है, हम इतना इंतजार कर रहे हैं सुबह से, क्यों नहीं खाया फल? क्या तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई देखता ना हो? क्या कोई एकांत नहीं मिला तुझे? बच्चा कहता है गुरुजी मैं पूरे गांव में डोला, मैं जंगलों में भटका, मैं हर जगह हुआया, मुझे ऐसी जगह हजारों मिली जहां संसार का कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं था, लेकिन ऐसी जगह एक भी नहीं मिली जहां मैं भगवान की नजर से बच जाता। परमात्मा की दृष्टि तो हर जगह मेरे साथ है। इतना सुनते ही गुरुजी ने गले लगा लिया, कहा बेटा मुझे तेरा ही इंतजार था, अब सारा आश्रम तू ही संभालेगा, आज तू पास हो गया, क्योंकि ये बात सच्ची है बंधु। अर्थेषु भिज्ञः, परमात्मा को सब मालूम है, सब जानते हैं मेरे बांके बिहारी, आप क्या सोच रहे हो? सबके कर्म तो वो देख ही रहे हैं, भागवत में लिखा है सर्व बुद्धि दृक्, तुम्हारे कर्मों को तो भगवान देखते ही हैं, तुम बुद्धि से भी क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान जानते हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, सब कुछ जानते। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसे वो परम सत्य परमात्मा वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। कैसी शक्ति है उनकी, संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान करा दिया। कौन से वेद? जिन वेदों में सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वेद भगवान ने संकल्प से ब्रह्मा को दे दिए। हृदय, भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु, ब्रह्मा वेदज्ञ हो जाए, इति संकल्प मात्रे नैव ब्रह्मा वेदज्ञो जातः। इतना संकल्प होते ही ब्रह्मा वेदज्ञ हो गए, वेदों का ज्ञान हो गया। आप सोचो जरा, आज स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है या घर में माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, तो माँ बाप ही समझ पाएंगे, कोई टीचर ही समझ पाएगा बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, बड़ा कठिन काम। और भगवान ने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेद पढ़ा दिए, ऐसे नीचे बिठा के नहीं पढ़ाए, संकल्प किया ब्रह्मा के हृदय में वेद प्रकट हो गए, कमाल है। आज के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल, सरल काम नहीं। मैंने सुना किसी स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते अचानक कहता है कि बच्चों इस क्लास में जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो तुरंत खड़ा हो जाए, इस क्लास में जो सबसे ज्यादा पागल हो, मूर्ख हो, जिसे कुछ भी ना आता हो तुरंत खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं होता, एक बच्चा हिम्मत करके खड़ा हो गया। टीचर ने कहा कि अच्छा बेटा तो तू मानता है कि तू क्लास में सबसे ज्यादा मूर्ख, सबसे ज्यादा पागल है, तुझे कुछ भी नहीं आता? बोले सर मैं ऐसा तो नहीं मानता। बोले फिर खड़ा क्यों हुआ? बोले आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ में मैं भी खड़ा हो जाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप अकेले खड़े थे यानी सबसे पागल तुम ही थे, अच्छा नहीं लगा मुझे तो मैं खड़ा हो गया, बाकी मैं पागल नहीं मानता अपने आप को। लेकिन भगवान की शक्ति है, ब्रह्मा जी को संकल्प से वेदों का ज्ञान करा दिया।
अरे परमात्मा संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता बंधु। ऐसे उन परम सत्य परमात्मा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें, हम उनका ध्यान करें। बोलो सत्य भगवान की जय। द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण के अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया और तीसरा श्लोक बड़ा ही प्यारा है कि निगम कल्प करोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो भागवत रूपी फल है ये तो रस से भरा हुआ है, इसमें रस ही रस है, ये आद्योपांत रस से भरा हुआ ग्रंथ है। संसार के फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, गूदा भी होता है, बीज भी होते हैं, मालूम है ना। आम खाते हो तो गुठली फेंक देते हो, छिलका फेंक देते हो, सेब खाते हो गुठली फेंक देते हो, बीज निकाल देते हो अंदर से। पर कह रहे हैं भागवत ऐसा फल है जिसमें केवल रस ही रस है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम फेंक सको, जिसे तुम त्याग सको। तो पिबत भागवतम, इसीलिए इस अमृत को जितना हो सके पियो, इस अमृत का जितना पान कर सको करो।